नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अमल पित्त यानी कि एसिडिटी रोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। दोस्तों, आज के इस दौर में हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति एसिडिटी रोग से परेशान होता है। इस बहुत ही भयानक रोग होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेंगे तो आप इसका रोकथाम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कारण यानी कि किन कारणों से एसिडिटी रोग हमारे शरीर को लगता है। बहुत से लोग बहुत ही बेटाइम खाना खाते हैं, बहुत अधिक समय तक उनका खाली पेट रहता है, उन लोगों को भी एसिडिटी की समस्या होती है। खाली पेट रखने से एसिडिटी की समस्या मानी जाती है। साथ ही साथ मानसिक तनाव भी इसका एक प्रमुख कारण होता है, मानसिक तनाव के कारण भी एसिडिटी होती है। इसके साथ अत्यधिक मिर्च मसालों वाले आहारों का सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या होती है। मिर्च मसालों का सेवन जो लोग बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं उनको एसिडिटी की समस्या देखी जाती है। साथ ही साथ जो लोग धूम्रपान या फिर शराब का सेवन करते हैं उनमें भी एसिडिटी की समस्या अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है, यानी कि धूम्रपान एवं शराब से भी एसिडिटी होती है। साथ ही साथ आधुनिक फास्ट फूड का सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या होती है। आधुनिक फास्ट फूड हो गए या फिर जंक फूड हो गए, इनका जो अत्यधिक प्रयोग करते हैं उनके अंदर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम स्वतः बन जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके लक्षण के, एसिडिटी की क्या लक्षण होती है, किन किन लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या है। दोस्तों, इसका प्रमुख लक्षण है सीने में या फिर गले में जलन होना, अत्यधिक मात्रा में जलन होना, जी मिचलाना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना या बार बार उल्टी आना, सुबह खाली पेट या फिर हर समय खट्टी डकार का आना भी एसिडिटी का एक प्रमुख लक्षण है, मुख में कड़वाहट का स्वाद आना यानी कि जिन लोगों के मुख में कड़वाहट का स्वाद हमेशा रहता है उनके लिए भी एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ भोजन के साथ अरुचि होना या फिर स्वाद ना लगना या फिर आपको भूख ना लगना या फिर अपच की समस्या होना, इत्यादि सभी लक्षण एसिडिटी के होते हैं। इन लक्षणों से ही आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके रोकथाम के यानी कि किन उपायों को करके आप इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति अपने आहार एवं दिनचर्या में परिवर्तन लाकर एसिडिटी की समस्या को जड़ से समाप्त भी कर सकता है, साथ ही साथ उससे बचकर भी रह सकता है। पित्त वर्धक आहार जैसे कि खट्टे फल, दही, सिरका, मिर्च, लहसुन, प्याज, चाय तथा कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, साथ ही साथ उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जो इससे बचना चाहते हैं। धूम्रपान और शराब का सेवन आपको बंद करना होगा अगर आप एसिडिटी की समस्या से निजात पाते हैं। धूम्रपान एवं शराब बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए, साथ ही साथ एसिडिटी की समस्या को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपको धूम्रपान एवं शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ फास्ट फूड एवं जंक फूड का भी प्रयोग ना करें, इन दोनों से ही हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या होती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में अम्ल बढ़ता है, अम्ल बढ़कर ही हमारे में हाइपर एसिडिटी तथा एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से भी हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या बढ़ती है, साथ ही साथ शरीर में अम्ल की मात्रा भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपको एक निश्चित समय पर सो जाना चाहिए, रात को देर रात तक नहीं जागना चाहिए, देर रात जागने से भी हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको किन किन औषधियों का सेवन करना चाहिए अगर आप एसिडिटी रोग से पीड़ित हैं, यानी कि अम्ल पित्त से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको किन औषधियों का प्रयोग करके इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे पहले पेठा का प्रयोग कर सकते हैं, पेठा एसिडिटी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है एवं बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अगर औषधि की बात करें तो खाने वाले सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ हरित की चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, मुलेठी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप नारियल के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी से एसिडिटी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है, साथ ही साथ एसिडिटी की समस्या को समाप्त करके हमारे पेट में भोजन की अरुचि को समाप्त करते हैं, साथ ही साथ भूख अच्छी लगती है, साथ ही साथ हमारा शरीर का पाचन क्रिया बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एसिडिटी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या मन में किसी भी तरह का सवाल रह गया तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर कमेंट जरूर करें, और वीडियो में हमने आपको जो बताया आपको कैसा लगा जरूर बताएं हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।